टॉप 5 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। नंबर 1, अगर सांप अपने आप को काट लेता है तो वो खुद भी मर सकता है, क्योंकि सांप का जहर उसके दांतों में होती है, ना कि उसके शरीर में। क्या आपको पता है नेपाल में सप्ताह की एक दिन की छुट्टी भारत की तरह रविवार को नहीं बल्कि शनिवार को होती है। नेपाल में कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता क्योंकि ये देश कभी किसी विदेशी शासन के अधीन नहीं रहा। नेपाल के लोगों को बिना पासपोर्ट के भारत में आने की अनुमति प्राप्त है और बहुत सारे नेपाली भारत में काम भी करते हैं। नेपाल में हिममानव देखने के किस्से सुने जाते हैं और इन हिममानवों को यति कहा जाता है। 3 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वाला देश नेपाल में आधी से भी अधिक आबादी काठमांडू में रहती है। नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर अमीर मंदिरों की लिस्ट में आती है। इस मंदिर में इतना चढ़ावा चढ़ाया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस मंदिर के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है जो दुनिया के सबसे अमीर मंदिर कहलाती है। इस मंदिर में हर महीने 100 करोड़ से भी ज्यादा भक्तों के द्वारा चढ़ावा चढ़ाया जाता है। वैसे तो ये मंदिर हमेशा ही चर्चे में रहता है, आपको इसके बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 3, पॉपकॉर्न दुनिया का सबसे पुराना स्नैक्स है जो कि 7000 सालों से खाया जा रहा है। दोस्तों आजकल हर किसी के घर में ऐसी स्टूल तो होते ही है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है स्टूल में ये होल क्यों होते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके पीछे कई रीजन है। पहला रीजन ये है कि इस होल के मदद से वैक्यूम फॉर्म होता है, जैसे एक के ऊपर एक बहुत सारे स्टूल रखे हैं तो उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। दूसरा रीजन ये है कि ये होल स्टूल को ब्रेक होने से बचाता है। मान लो आप स्टूल पर बैठ रहे हो तो उस स्टूल पर प्रेशर आने की वजह से वो नीचे की तरफ पुश होता है, लेकिन बीच में होल होने की वजह से फोर्स इक्वली स्प्रेड हो जाता है जिसकी वजह से वो स्टूल बैठने पर भी नहीं टूटता। एक और भी रीजन है कि आप स्टूल को एक उंगली से भी उठा सकते हो। दोस्तों क्या आपको ये पहले से पता था नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 4, दोस्तों क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बुढ़ापे में बाल ग्रे हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है बुढ़ापे में बाल ग्रे क्यों होने लगते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे स्किन में मेलानिन होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन की कलर चेंज होती है, ठीक वैसे ही हमारे बालों के फॉलिकल्स में पिगमेंट्स होते हैं जो समय के साथ साथ धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं यानी कि कलर फेड करते हैं। वैसे आजकल अर्ली एज में भी लोगों के बाल ग्रे होने लगे हैं जिसके कारण है स्ट्रेस, विटामिन डेफिशिएंसी और स्मोकिंग की वजह से, और फिर से बाल काले करने के लिए लोग करते हैं। दोस्तों बालों में कलर लगाना सही है या गलत नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 5, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। ये कृष्ण के रासलीला के लिए जाना जाता है। यहाँ के निधिवन में स्थित रंगमहल मंदिर का भी अपना ही एक रहस्य है। यहाँ हर रात पुजारी माखन और मिश्री का भोग चढ़ाते हैं और कृष्ण के सोने के लिए पालंग भी तैयार करते हैं। रात होते ही मंदिर का पट खुद ही बंद हो जाता है और सुबह होने पर अपने आप ही खुल जाता है। जब पुजारी वापस आकर देखते हैं तो लगता है कि माखन और मिश्री में से किसी ने प्रसाद ग्रहण किया है, और इसी के साथ साथ बिस्तर पे पड़ी सिलवटे भी बताते हैं कि इस पर जरूर कोई आकर सोया था। और इसी के साथ साथ ये भी माना जाता है कि निधिवन में जो भी पेड़ है वो रात को गोपियाँ बन जाते हैं और श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं और सुबह होते ही वो वापस पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं। तो अगर आपको भी भारत का इस अद्भुत रहस्य के बारे में पता नहीं था या आप वृंदावन पहले जा चुके हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।